नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला के समीप प्रति गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी जोगिंदर शर्मा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सीन ऑफ क्राइम टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने खुलासा किया है कि पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जो कि जांच का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक परिवार का बेटा इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था। आपको बता दें कि परिवार रात को खाना खाकर सोया था और सुबह मृत मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सबसे छोटी बेटी का आज जन्मदिन भी था। मृतकों में 65 वर्षीय संगत राम पुत्र जागीर सिंह, 34 वर्षीय सुखविंदर सिंह पुत्र संगत राम, महेंद्र कौर पत्नी संगत राम, रीना पत्नी सुखविंदर सिंह, 5 वर्षीय आशु पुत्री सुखविंदर सिंह और 7 वर्षीय जस्सी पुत्री सुखविंदर सिंह शामिल हैं। इस खबर से अंबाला के बलाना गांव में चारों तरफ मातम पसर गया है। मृतक के पड़ोसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस परिवार की लड़की का फोन आया जिसमें उसने कहा कि घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। जब उन्होंने उनके घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो कोई नहीं खुला। पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो भी कोई नहीं खुला। फिर उनके रिश्तेदारों को जाकर बताया गया, तब घर जाकर दरवाज़ा खुला गया। वहां पर उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी बेड पर और दूसरे कमरे में उनके बच्चे मृत पड़े थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच कर जाँच में जुट गई। उस घटनाक्रम के संबंध में डीएसपी जोगिंदर शर्मा और पड़ोसी ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम दिलवाग सिंह है। घटना क्या, जिनकी बेटी का फोन आया था साइड में पड़ोसी के पास, नरेश कुमार है जी, तो भी मेरे मम्मी डैडी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भी जाके देखो क्या बात है। तो उन्हें दरवाजा खड़काया, कोई नहीं बोला जी, खड़काया कोई नहीं बोला, तो वो मेरे पास आ गए, मेरा घर भी पास सामने है जी, भी दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या बात है। तो वहां चलो देखते हैं जी, तो हमने भी खड़काया, खुला नहीं है। तो जैसे कि वहां सीढ़ी से ऊपर चढ़ के अंदर गया जी, मैं दरवाजा खोला तो दोनों बेड पे पड़े थे जी, माता और पिता, और अंदर वाला दरवाजा लॉक नहीं था, वैसे ही बंद था। तो देख के हमने इनकी फैमिली को बुलाया, जो इनके रियल चाचा हैं, वो साइड में रहते हैं दूसरे पास, उनको लेके आए सभी को। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो ये जो सुखविंदर सिंह है ये हैंगिंग पे था, उतारा जी, और इनकी वाइफ है, दो बच्चे, वो बेड पे थे, वाइफ मंजी पे, बस ये देखा जी। हाँ जी बिल्कुल, मौके पर पहुंची, दो बच्चे थे जी, दो माता पिता थे इनके, और वाइफ थे, छह लोग थे जी। इनका नाम, पिता का नाम था जी इनके संगत सिंह, और माता का नाम इंद्रो देवी, और जो हैंगिंग पे उनका सुखविंदर सिंह, और इनकी वाइफ का नाम इना देवी, और बच्चे हैं जी असरीत है, जसनूर है। पुलिस वाले इस वासन दे रहे हैं जी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी लोग इसमें बोले उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो परिवार है ही नहीं था, कभी नहीं देखा जी, करना कुछ भी नहीं देखा जी, बहुत अच्छी फैमिली थी जी। मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत हंसमुख फैमिली थी, बहुत ज्यादा। इस मौके पर पहुंच गए और यहाँ आकर देखा तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है संगत राम, और उनकी पत्नी है, और उनका बेटा सुखविंदर, सुखविंदर की वाइफ, और दो छोटे बच्चे हैं जो अभी मृत हालत में है। और हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है अभी, और अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता देंगे। सर प्रथम देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी जाँच होगी, सीन ऑफ क्राइम टीम आने के पश्चात उनका पूरा मुलाजा किया जाएगा, और उनके पास जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। अभी सुसाइड नोट जो लिखा है उसमें हम लोगों ने टीम भेज दी है, और जो भी अभी वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको बता देंगे। ये बता रहे हैं अभी तो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं सर, कोई बस हुई है, लेकिन अभी हम लोगों का यही है कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, मरने का कारण पता लग जाए कि किस कारण से मरे हैं, क्या चीज़ थी जिसके कारण मरे हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम लोग बता पाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।